सफर होने वाले, वो ट्रेन तो 6 से 8 घंटा लेट है। इसके बारे में थोड़ा बताना यार दोस्त, कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है चढ़ने वालों, बाकी लगेज में भी देखो कैसे लोग बैठे हुए। ठंडी में क्या होता है ना कि आप जिस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं अक्सर आपको ट्रेनें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बचपन से ट्रैवल में। इस समय दोपहर के 12:30 बज रहे और मैं हूँ दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। आज का जो सफर है यहाँ से होने वाला है करनाल कर्ण नगरी, बट क्या बताऊँ जिस ट्रेन से सफर होने वाले वो ट्रेन तो 6 से 8 घंटा लेट है, तो दूसरी ट्रेन से सफर करेंगे फजिलका इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। स्टेशन के बाहर ही आपको अच्छी खासी खाने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और ऑटो कैब टैक्सी वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ये सामने मेट्रो स्टेशन और अगर आप इधर आएंगे 5 मिनट भी नहीं चलना सामने ही रेलवे स्टेशन आ जाएगा। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ और खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। सामने आप देख रहे हैं इस और भी शॉप है, कुछ ऐसा वेटिंग हॉल है जर्नल का, बाकी इस और भी खाने पीने की कुछ शॉप और हैं। इस स्टेशन पे आपको 2 ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2। बाकी उस और ट्रैक वगैरह बना रखे काफी गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए। और अगर मैं उस गाड़ी की बात करूँ तो कामाख्या दिल्ली वाली ट्रेन लगी हुई है, जब उसका टाइम होगा तो वो ओल्ड दिल्ली जाके लग जाएगी। तो अभी इस और पैसेंजर ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो पानीपत से दिल्ली की ओर चलती है। इस ओर से स्किप कर रही है अमरपाली एक्सप्रेस जो कटिहार से अमृतसर के लिए चलाई जाती है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पश्चिम एक्सप्रेस आई है जो मुंबई से चल के अमृतसर की ओर जाती है। ये ट्रेन भी 2 घंटा लेट है दोस्तों, और जो भीड़ आप देख रहे हो ये पश्चिम एक्सप्रेस की भीड़ है। और दोस्तों इस ट्रेन का भी बुरा हाल है, बहुत ज्यादा भीड़ है। वैसे अगर ट्रेन की बात करूँ तो फजिलका इंटरसिटी ट्रेन होने वाली जो डेली रन करती है पुरानी दिल्ली से पंजाब के फजिलका शहर तक, बट आप तो जानते हैं हमारा जो सफर है वो दिल्ली के सब्जी मंडी से करनाल तक होने वाला है। आप इस ट्रेन से जाना चाहते हैं जैसे सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैंट जंक्शन, इसके अलावा आप भटिंडा भी जा सकते हैं। काफी अच्छी ट्रेन है, आपको जनरल कोच बहुत सारे मिलेंगे, 1 या 2 कोच जो है वो स्लीपर के मिलेंगे या एसी के, इसके अलावा बाकी सारे जनरल कोच। और यहाँ पे इसकी टाइमिंग है 1:20 की, 1:05 पे दोपहर में निकलती है पुरानी दिल्ली से। वेट करते हैं जब तक अभी आई नहीं है क्योंकि अभी तो 1/2 घंटे के अराउंड। तो फिलहाल ट्रेन के अंदर हूँ, ट्रेन भी खाली है, मतलब आपको सीट आराम से मिल जाएगी, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ट्रेन हमारी चल गई है दिल्ली के सब्जी मंडी से 1:35। जनरल कोच का हाल तो आपने देखा कितना ज्यादा खाली, मतलब सीट आपको आराम से मिलेगी इसमें बैठने स्टेशन नरेला आया है और ये 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन, 1 मिनट का स्टॉप दिया गया। तो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। हमारी पहुंची है सोनीपत जंक्शन, दिल्ली से चल के अब हरियाणा स्टेट में एंटर करी और सोनीपत के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई है। ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप दिया गया, तो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। और ये ट्रेन हमारी सोनीपत जंक्शन से चल दी है।
ट्रेन हमारी पहुंची है गन्नौर। गन्नौर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई। यहाँ पे ट्रेन से काफी ज्यादा यात्री उतरे हैं। भाई से भी हमने ये लिया है और ये भाई इतने छोटे से देखो कैसे काम करे। भाई इसके बारे में थोड़ा बताना यार दोस्त। अच्छा इसके लिए है, चलो बढ़िया है। ट्रेन अभी हमारी पहुंची समलखा। 2:45 हो रहे और ट्रेन हमारी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई। ये फेमस है क्यों? क्योंकि यहाँ पे संत निरंकारी समागम होता है जो अक्टूबर मंथ में या नवम्बर मंथ में होता है। एक बार अगर आप आएंगे ना, सच बता रहा हूँ, आपका मन एकदम चेंज हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा यहाँ पे सत्संग सुमिरन और सेवा की भावना होती है। अभी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप दिया है तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन हमारी पहुंची है पानीपत जंक्शन। पानीपत जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी चढ़ने वालों की। और ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से दिल्ली की ओर से हम आई रहे और एक लाइन जाती अंबाला की और एक लाइन चली जाती यहाँ से बीकानेर की ओर। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप दिया गया। और यहाँ देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है चढ़ने वालों की। ट्रेन हमारी पानीपत जंक्शन से चल दी। अब आपसे सीधा मिलते करनाल। वहाँ पे भी खाने पीने की काफी कुछ चीजें मिल रही थी और ये था कि ये ट्रेन बहुत अच्छी है और काफी ज्यादा खाली है। अभी फिलहाल मैं विंडो सीट पे बैठा हूँ। इस तरफ आप देख सकते हैं इमरजेंसी डोर है। और यहाँ पे इस ट्रेन सफर को करते हैं एंड क्योंकि पहुंच चुके हैं करनाल, कर्ण नगरी। बाकी लगेज में भी देखो कैसे लोग बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रेन भी चल चुकी है यहाँ से। अब ये सीधा अंबाला कैंट भटिंडा के रास्ते होते हुए फजिलका जाएगी। दोस्तों क्या बताऊं, यहाँ पे ना सर्दी काफी ज्यादा है, आप पीछे ही देख सकते हैं। मतलब धूप का तो नामो निशान नहीं है और काफी ज्यादा हवा भी चल रही है। तो यही था फजिलका इंटरसिटी एक्सप्रेस का ट्रेन सफर। बाकी ट्रेन अच्छी थी और अगर आप इस रूट पे सफर करते ना तो ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट है। अभी तो इसको बाय बाय बोल देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए सफर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, आप नाक देख रहे हो एकदम लाल हो गया और मैंने एक चाय लिया है। अभी थोड़ा सा ठंडी कम से कम मिटेगी तो
और क्या बताऊँ यहाँ पे मतलब लगभग तो ज्यादातर ट्रेनें लेट है। मुझे भी जिस ट्रेन से जाना है वो ट्रेनें काफी ज्यादा लेट है, अभी तक आई भी नहीं और काफी ज्यादा पैसेंजर यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। मतलब ठंडी में क्या होता है ना कि आप जिस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं अक्सर आपको ट्रेनें लेट मिलती है क्योंकि कोहरे के कारण और ठंड की वजह से।